हल्की सी धड़क से खिसका डिवाइडर, नाले में जा गिरा चार पहिया वाहन। थाना उत्तर क्षेत्र रहना रोड ब्रजेश प्लाजा शोरूम के सामने की घटना। बोली गाड़ी मालिक नगर निगम डिवाइडर की खुली पोल गाड़ी न रोक सके। कहा नाला धाको चलाया था अभियान, अगर धके होते तो न होता यह हादसा, हुआ उनका काफी नुकसान। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र रहना रोड पर एक फोर व्हीलर वाहन वहां मौजूद नाले में जा गिरा, जिसे क्रेन मंगाने के बाद बाहर निकाला जा सका। स्थानीय उद्यमी ब्रजेश यादव ने कहा, अगर यहां डिवाइडर रेलिंग लगी होती तो यह हादसा न होता। बताया गया थाना उत्तर क्षेत्र रहना रोड पर ब्रजेश यादव का ब्रजेश प्लाजा के नाम से शोरूम है, जहां उनका बेटा फोर व्हीलर वाहन से आया, अंदर पूजा करने चला गया। इसी दौरान गाड़ी में छिपकली घुस गई, जिसे कर्मचारी ने देखा तो निकालने की बात कही। जैसे ही छिपकली निकाली, गाड़ी धड़कते हुए सीधे नाले के किनारे रखे डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर नाले में गिरा तो वही गाड़ी भी नाले में जा गिरी, जिसे क्रेन मंगवाकर निकलवाया गया। इसको लेकर ब्रजेश यादव का कहना था कि अगर डिवाइडर रेलिंग होती तो हादसा न होता। नगर निगम के डिवाइडर कितने मजबूत है, इसकी पोल खुली है, थोड़ी सी धड़क में डिवाइडर खिसक गए। बोले, नाले धाको अभियान हमने एक महीने तक चलाया, अगर नाले धके होते तो यह घटना नहीं होती। नगर निगम में करोड़ों रुपए आता है, क्या होता है। ब्रजेश यादव, ये भी गाड़ी नाले में चली गई, क्या रहा बुरा हाल। दरअसल बेटा शोरूम पे आया था अभी, मैं तो पूजा कर रहा था, तब तक बेटा ने गाड़ी खड़ी करी तो बोनट पर छपकरी आ गई अंदर। अंदर छपकरी देख कर कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, हैंडब्रेक लगा दिया, गियर डाल दी, गाड़ी के ढरकने आ गई। और कर्मचारी ने कहा इसको खोल करके इसको छपकरी निकलवा दो, बाहर निकल जाए। कर्मचारी अंदर घुसे, उन्होंने किसी तरीके से हैंडब्रेक दबा दिया और गियर भी निकाल दिया। उस तक हुआ कि अगर ढकती गाड़ी सीधी ढकती हुई चली गई, और जो नाले किनारे वो स्टैंड बने हुए हैं आरसीसी के, वो नगर निगम के दिखावटी थे, वो जरा सी पुश होने में दोनों चले गए अंदर, गाड़ी सीधी अंदर चली गई, दोनों डिवाइडर अंदर चले गए। ये नगर निगम की आपके सामने पोल दिख रही है इस पर, कि कितना पैसा लगता है नगर निगम, करोड़ों रुपये आता है नगर निगम का हमारा, और कहाँ जाता है ये। जरा से हल्के से उसको चले गए, नाले ढाको अभियान हमने इतनी मेहनत की, एक महीने हमने वो चलाया, सब कुछ किया, नाले ढका होता तो ऐसा ये घटना नहीं घटती। वो तो अच्छा ईश्वर की कृपा रही, वो राहगीर सामने नहीं आया, वरना कुचल सकता था वो। ये तो लगभग ये 35,000 के आसपास, 35,000 का नुकसान हुआ है।